सो है व्हाट्स अप गाइस, आज के इस वीडियो में हम वापस आ चुके हैं माइंड लॉस एमबी में। एंड भाई आज के इस वीडियो का भाई जो आपने टाइटल पढ़ा होगा मेकिंग अ बू भाई, वो आज के इस वीडियो का काम है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, मैं आपको भाई हर एक चीज़ धीरे धीरे बताता हूँ। लेकिन भाई सबसे पहले आप अपने कान में हेडफोन डाल लो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा भाई कैरी भाई बोल रहे हैं, सुन लो। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ओके भाई, तो सबसे पहले आप बैनर देख सकते हो भाई, ये मेरे भाई प्रोबेबली सर्वर में बेस्ट फ्रेंड भाई बीच ने बना के दिया है भाई। उसकी भाई चैनल की लिंक मैं आपको भाई डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, बहुत अच्छा बंदा भाई, आप उसको जरूर चेकआउट करना। उसने कितना टाइम लगाएगा इस बैनर पर आप सोच भी सकते हो। एंड भाई उसने खास कर मेरे लिए बनाया है, इसलिए भाई मैं बीच का नाम भाई अपने घर पे लिखने वाला हूँ। ज़ॉम्बी को भी अभी आना था, सारा सीन खराब कर दिया। अबे इसका भाई भी आ गया, इसको मारो यार जल्दी से। एक तो मेरा फायर एस्टर भी नहीं वर्क कर रहा है, बारिश हो रही है। सबसे पहले भाई मैंने क्या क्या प्रोग्रेस किए भाई, मैंने बहुत ज्यादा नेदरराइट को भाई फाइंड किया है। नहीं भाई, मेरे को गिफ्ट्स मिले थे उसकी वजह से मेरे को नेदरराइट ये सब मिला है। बेचारा भाई कोई बंदा ड्राउन हो गया, तो मैं क्या बोला था भाई, मेरे को बहुत सारा नेदरराइट मिला है, पर भाई ये सब मैंने खुद से एन्चेंट किया। एंड बाय द वे ये सब है मेरा सेकेंडरी टूल, जो मेरा भाई मेन टूल है भाई, वो सब तो मैंने भाई बीस्ट को दिया है एन्चेंट करने के लिए। इवन एलाइट्रा भाई ये सब मुझे भाई ऑफलाइन मिल गया था। एंड मैंने अपना भाई घर भी कुछ ऐसे कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो। ये थोड़ा भाई इन लोगों को ग्रास पाथ बढ़ाना था, इसलिए थोड़ा सा बकवास लगता है ऐसे, लेकिन मैं फिर भी भाई स्टार्टर हाउस है, मेन हाउस भाई मैं कोई और ही जगह पे बनाऊंगा। ये क्रीपर क्या कर रहा है मेरे घर के सामने? अरे यार इसने मेरा पूरा ये सब तोड़ दिया, अब इसको भी मुझे ही फिक्स करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा घर फूट जाएगा। अरे भाई बीच का भी टूट गया, कितने सारे मॉब्स भरे पड़ रहे इधर नीचे यार, मेरे को एक बार जाके सब कुछ क्लीन अप करना पड़ेगा इसको अपना। भाई ये बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा है, बिकॉज एक स्टेरियर से घुम हो चुका है। कोई ना भाई इसको ऐसे ही रखते हैं भाई, क्या करूँ और भाई मैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ऐसे भी। तो भाई आज की जो वीडियो का टाइटल था, या तो थंबनेल में भी होएगा शायद, मुझे नहीं पता, मैंने तक बनाया नहीं है। वी हैव टू मेक अ भाई गुड बो, बिकॉज ये सब भाई मेरे सेकेंडरी टूल्स तो अच्छे हो गए, एक भाई अच्छा सेकेंडरी बो भी बनाना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसको अच्छे से एन्चांट करना पड़ेगा, उसके लिए लेवल्स चाहिए। एंड आपको चाहिए भाई लैपिस लजुली, तो वो सब भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देख सकते हो भाई लैपिस लजुली मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। तो भाई चलो हमारे एक्सपी फार्म पे चलते हैं। एंड भाई वो कैल्प वाला एक्सपी फार्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज ये गोल्ड फार्म भाई पता नहीं ख़राब हो गया या किसी ने क्या कर दिया है। एक और चीज़ भाई, अगर आप खूब मेरे बैकग्राउंड से भाई बारिश की आवाज़ आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि भाई इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर। तो चलो भाई आप यही देख सकते हो फार्म भाई, मैं अभी 23 एक्सपी पे हूँ। अब भाई थोड़ा थोड़ा भाई देखो एक्सपी बढ़ रहा है, मेरे सारे टूल्स भी ऐसे मेंड हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज प्रिटी गुड। पिकैक्स को भी मेंड कर लेते हैं, पिकैक्स भी मेंड हो गए, आर्मर भी मेंड हो गया मेरा। मेंडिंग इज द बेस्ट थिंग, एक काम करते हैं भाई, हम लोग देख के तो आते हैं कि हमें बो पे क्या क्या एनचांस मिल रहे हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को एक अच्छा बो चाहिए, क्योंकि अगर बो अच्छा नहीं हो ना तो अभी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर सकते। हाँ मेरे पास ट्राइडेंट है, मैं ट्राइडेंट को भी एनचांट कर सकता हूँ, लेकिन भाई वही ना बो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखते हैं हमें बो पे अभी क्या मिल रहा है भाई, लेवल 30 पे अनब्रेकिंग 3 मिल रहा है भाई, ज़रूर ले लूँगा मैं जल्दी से, मैं लेवल करके आता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो लैपिस को इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, लैपिस के ब्लॉक्स को, एंड इसके अंदर देखते हैं भाई होपफुली कुछ अच्छा मिल जाए प्लीज। अनब्रेकिंग 3, फ्लेम 1, इन्फिनिटी 1, पावर 4 एंड पंच 2, ये प्रोबेबली बेस्ट बो है भाई जो मैंने अभी तक बनाया है। सो भाई ट्राई करते हैं हमारा बो बेचारे पिक के ऊपर, एक हिट हो गया भाई, ये तो फिर भाई काफ़ी अच्छा बो। इसका डैमेज कितना है दिखाएगा क्या इधर? नहीं डैमेज नहीं दिखा रहा, वह डैमेज दिखाता तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। चलो एक काम करते हैं भाई शीप को मारते हैं दूर से, मेरे एमिंग में बहुत अच्छा है, कोई कुछ नहीं कमेंट करेगा इसके ऊपर, उसके लिटरली भाई ऊपर से गया वो भाई, ये बहुत अच्छा बो बन गया यार। लेकिन एक ही चीज़ के ऊपर अब मैं मेंडिंग नहीं डाल सकता ना, कोई ना भाई इसको हम एक और बो से भाई रिपेयर कर देंगे। लेकिन भाई ये काफ़ी अच्छा बो बन गया अभी हमारा, तो भाई अभी हमारे पास भाई सेकेंडरी सेट भाई पूरा हो चुका है, एंड हमारा भाई गॉड सेट तो भाई तैयार हो ही रहा है।
सो भाई यही थी आज की इस वीडियो। और भाई इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया भाई, हमने इतना ज़्यादा अच्छा बो बना लिया। एंड भाई उधर भाई मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का भी नाम लिखा जो जिसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो अगली वीडियो में भाई हम कुछ और अच्छा बिल्ड करने की ट्राई करेंगे। एंड अभी भाई अगली वीडियो से हम प्रोबेबली बिल्ड्स ही फ्रीक्वेंटली करेंगे, बिकॉज अब भाई अब मैं प्रॉपर ओपी हो चुका हूँ, तो अब मैं आई थिंक बिल्ड्स करने के लायक हूँ। सो भाई यही थी आज की इस वीडियो, होप करेंगे स्टिल लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। मैं आपको अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय।